तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीडियो अपलोड करने का सही टाइम बताने वाला हूँ। अगर आप लोग YouTube पर एक नया नया चैनल बनाए हो या फिर YouTube पर आने के लिए सोच रहे हो ना भाई, तो आप अगर नए होते हो ना तो आपको पता नहीं होता है कि आखिर YouTube पर हम कब वीडियो अपलोड करेंगे कि आपका वीडियो जो है ना लोगों के सजेशन में दिखाया जाएगा। इस वजह से होता क्या है ना भाई कि जो नए क्रिएटर्स YouTube पर आते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं, वे लोग गलत टाइम पर क्या करते हैं, अपने वीडियो को पब्लिक कर देते हैं। और इससे होता क्या है ना कि भाई उनका वीडियो जो है ना सजेशन में नहीं दिखाया जाता है, लोगों के होम स्क्रीन पे नहीं जाता है। तो भाई इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको 2-3 टाइम में आपको ऐसा देने वाला हूँ जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स भी जो है ना इसी टाइम को फॉलो करके आज वे लोग अपने चैनल पर इतना भर भर के सब्सक्राइबर पाके भाई वे लोग महीना के लाख रुपया करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तो आखिर कौन टाइम है भाई और आपको कब अपने चैनल पर वीडियो पब्लिक करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना YouTube के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई YouTube पर वीडियो पब्लिक करने का सही टाइम मैं आपको 2-3 टाइम बताऊंगा, और भाई इसमें से आपको दोनों टाइम पे क्या करना है ना कि आपको वीडियो पब्लिक करके देखना है। सबसे पहले आपको ऑडियंस के बारे में समझना होगा, आपको YouTube पर समझना होगा कि आखिर YouTube पर लोग एक्टिव कब रहते हैं। जैसे कि YouTube कोई भाई कोई शैतान थोड़ी चलाता है, YouTube जो है ना इंसान ही चलाता है। और YouTube पर जब भी आप वीडियो को पब्लिक करते हो तो आखिर कौन लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग जैसा मेरे जैसा इसी तरह के लोग ना वीडियो देखते हैं। तो आपको समझना होगा कि आखिर जो नॉर्मल इंसान होते हैं, एक स्टूडेंट होता है या फिर जो भी इंसान होते हैं, आखिर वे लोग YouTube को कब चालू करते हैं। ये आप कैसे पता लगा सकते हो, आप खुद अपने घर में देख सकते हो कि आपके मम्मी हो गए, आपके भैया हो गए, आपके पापा हो गए, आखिर कब फ़ोन यूज करते हैं, आप खुद कब फ़ोन यूज करते हो, कब आपको टाइम मिलता है, आप इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो। और भाई यहाँ पे जो है ना कि मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको टाइम देने वाला हूँ भाई, ये बेस्ट टाइम है, आपको इस तरह से आप पता कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो भाई यहाँ पे जो मैं आपको फर्स्ट वाला जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बड़े बड़े क्रिएटर्स भी जो है ना भाई इस टाइम पे अपने वीडियो को पब्लिक करते हैं। तो भाई अब आपने वीडियो को बना के रखा है तो आखिर आपको पब्लिक कब करना है। तो भाई पब्लिक करने का जो बेस्ट टाइम होता है ना वो होता है भाई कि आप मॉर्निंग में 8 AM से लेकर और आपको 10 AM के बीच में आपको क्या करना है, अपने वीडियो को पब्लिक करना है, या फिर आप 10:30 तक के लिए भी आप अपने वीडियो को पब्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना भाई वीडियो अपलोड करने का पब्लिक करने का बेस्ट टाइम होता है, ठीक है ना। क्योंकि 8 बजे के बाद में जो है ना कि लोग अपने फ़ोन को देखते हैं मॉर्निंग में, जब भी आप उठते हो फ्रेश होते हो उसके बाद में फ़ोन लेते हो तो आप YouTube को चालू करते ही करते होंगे, आप लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मॉर्निंग में आपको वीडियो को क्या करना है अपने पब्लिक करना है। इससे होता क्या है कि आपका जो वीडियो है ना दिन भर लोगों के होम स्क्रीन पर जाते रहेगा, इंप्रेशन के माध्यम से जाते रहेगा, और भाई हर बजता के लोग जो है ना आपके वीडियो पर क्लिक करेंगे ही करेंगे। तो भाई अगर आप एक यूट्यूब पर नया हो ना, बिल्कुल बिगनर हो, अभी अभी आए हो यूट्यूब पे, तो आप मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करो, ठीक है ना। और एक टाइम मैं आपको और बताता हूँ इस टाइम को भी आपको वीडियो अपलोड करना है। अब आपने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर लिया तो भाई इसमें से होता है क्या है ना कि बहुत सारे भाई ऑफिस चले जाते हैं 10 बजे के बाद में, तो वो लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। तो अब आपको देखना है कि आखिर लोग फ्री कब हो रहता है, आखिर आपने मॉर्निंग में तो वीडियो अपलोड करके देख लिया ना, चलो ठीक है, मान लो कुछ टाइम पर व्यूज नहीं आता है, तो अब आपको देखना होगा कि आखिर लोग फ्री कब रहते हैं, लोग अपने फ़ोन को यूज कब करते हैं। बहुत सारे इंडिया में लोग जो है ना कि भाई ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब आपको एक सही टाइम को क्या करना है कि आपको सर्च करना है, खोज करना है। तो वो टाइम क्या होता है भाई, 1 से 1:30 PM के बीच में, आफ्टरनून की बात कर रहे हैं, 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में आपको क्या करना है अपने वीडियो को पब्लिक करना है। इससे इसमें होता क्या है ना कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग का लंच होता है, ठीक है ना, 1 बजे के बाद में, और जो लोग स्टूडेंट होते हैं ना उनका भी लंच होता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो आप उस टाइम जो है ना कि आप अपने वीडियो को पब्लिक कर सकते हो, और भाई बड़े बड़े क्रिएटर्स भी जो है ना कि 1 बजे अपने वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं, जैसे मिस्टर बिट्स हो गए, वो लोग भी जो है ना अपने वीडियो को 1 बजे ही पब्लिक करते हैं, आपको भी ट्राई करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्टिंग वाला जो है भाई टाइम, ये जो है ना उनके लिए है जिनके पास में सब्सक्राइबर है, जिनके पास में जो है ना भाई बहुत सारा सब्सक्राइबर है उनके लिए है। और ये टाइमिंग क्या है भाई, देखो ये टाइमिंग जो है ना भाई, ये शाम में जो इवनिंग होता है ना 5 से लेकर 6 बजे के बीच में, 5 PM से
6 PM यानी 6 PM के बीच में आपको क्या करना है, अपने वीडियो को पब्लिक करना है। इस टाइम पे जो है ना कि यूट्यूब पर ढेर सारा ऑडियंस जो है ना एक्टिव रहते हैं, लोग जो है ना ऑफिस से आकर घर पे रहते हैं तो फोन को यूज करते रहते हैं, यूट्यूब को स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम के वीडियो पब्लिक करोगे ना भाई, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ऑलरेडी बड़े बड़े क्रिएटर्स जो है ना इसी टाइम को अपने वीडियो को पब्लिक करते हैं, तो लोग आपके वीडियो को नहीं देखेंगे, बड़े बड़े क्रिएटर्स कहीं वीडियो को देखेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। और यूट्यूब इस टाइम के आपके वीडियो को जो है ना बूस्ट नहीं करेगा, उनके पास में नहीं बैठाएगा, तो ये आपको समझना होगा। और अगर आप मॉर्निंग में वीडियो को आप पब्लिक करते हो भाई, तो आपको मॉर्निंग में भी जो है ना कि सब लोगों को पता है जो यूट्यूब पर बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उनको पता है अब उनको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना होता है। तो भाई आपको क्या करना है ना कि जैसे कि टाइम जो है 8 से 10, आपको क्या करना है ना कि 10:30 तक आपको अपने वीडियो को पब्लिक करना है, यानी 10-15 मिनट की आपको गैपिंग लेकर क्या करना है, अपने वीडियो को पब्लिक करना है। और भाई अब देखना, जो मैंने आपको ये 3 टाइम में आपको बताया ना, आप तीनों टाइम में आप ट्राई करके देखना भाई, डेफिनेटली आपके वीडियो पे व्यूज आएंगे और आपका वीडियो वायरल भी होगा और आपका वीडियो को जो है ना बूस्ट किया जाएगा। और भाई रात में, शाम में, इवनिंग में आप कभी भी वीडियो मत अपलोड करना अगर आप यूट्यूब पर बिल्कुल बिगिनर हो, आपके पास में सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैंने जो आपको ये 3 टाइमिंग मैंने जो आपको दिया भाई, आप किसी एक टाइमिंग पे वीडियो अपलोड करो और ये तीनों टाइमिंग पे आपको वीडियो अपलोड करना है और डेफिनेटली देखना आपको फर्क दिखेगा। तो आज वो भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नए बच्चों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो भाई आप क्विकली इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक मिलेंगे, वहां पे आप जाकर मेरे को मैसेज डायरेक्ट कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।